हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो भाई ये है कुछ प्रॉपर्टी तो ठीक है, रूम एवरेज है, बाकी बैठने की जगह बहुत बढ़िया, आराम से बैठ सकते हो। और इसके नियरेस्ट बिल्कुल अम्यूजमेंट पार्क है, वॉकिंग डिस्टेंस पे। ये हमारी गाड़ी पे आ गया इसका पहला स्क्रैच। कुछ गवार लोगों ने अपनी गाड़ी का गेट मार दिया, पर चलो कोई बात नहीं, ये सब तो छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, तो इसमें मूड ख़राब नहीं करना चाहिए। तो भाई हमें ये गाड़ी देखी, इसके पीछे देखो क्या लिखा है, मालिक मुझे धो लो मुझे। मालिक का भी जवाब आया हुआ है, मेरा मन नहीं है, आप आकर धो लो। तो भाई दोस्तों सब रेडी हो चुके हैं और हम निकलेंगे बढ़िया सी किसी लोकेशन पे, थोड़ी देर बैठेंगे। गाइस गुड मॉर्निंग कर दो सबको। गुड मॉर्निंग। तो भाई सबको छोटा सा हार्ट अटैक आ गया बिल देख के रात का। ये प्लेन ऑमलेट किसने खाई है? इसने खाई है। अच्छा ये सब हो रहा था हमारे यहाँ पर, इंस्टिंग और चिप्स में काम चला गया है नाश्ते में। तो भाई गाड़ी है बिल्कुल ठंडी, थोड़ा सा वार्म अप कर देते हैं। रेडी? तो भाई हम कहाँ चल रहे हैं? हम जा रहे हैं रंग दे बसंती की शूटिंग स्पॉट। तो भाई यहाँ गाड़ी रुकी है पेट्रोल के लिए। 40 का तेल डाल देना, पावर वाला डालना। तो भाई यहाँ नॉर्मल पेट्रोल है नहीं, पावर वाला है, हमारी गाड़ी में तो है, इनकी गाड़ी लगी हुई रिजर्व में। तो भाई पेट्रोल डल गया और हम निकल रहे हैं, थोड़ी देर रिवर साइड बैठेंगे, थोड़ा सा चिल करेंगे। क्या लोग नीचे बढ़िया क्रिकेट खेल रहे हैं आराम से गाड़ी लगा के साइड में। ये थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे ऑफिस है कि आपको कैंपिंग कुछ बुक कराना होता है, ऐसे ऑफिस बनाए हुए हैं नीचे सारे कैंप, और रास्ता कुछ ऐसा। कल रात को हम यहीं से आए थे तो, पर लेकिन रात की वजह से दिखा नहीं कुछ, अंधेरा काफ़ी था। तो वही देखो रास्ता है कुछ ऐसा, ज़्यादा खतरनाक नहीं है, आराम से आ सकते हैं। तो भाई ये पजेरो वजेरो वाली, ये फ़ायदा होता है बड़ी गाड़ियों का, मस्त ले गया आराम से, हमें थोड़ी बचा बचा के चलनी पड़ रही है। तो भाई देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है ऐसे साइड में रिवर। हम ऐसे आगे जा रहे हैं जहां तक गाड़ी जाती है, देखते कहां तक जाती है। तो भाई हमने गाड़ी लगा दी है और आगे राफ्टिंग हो रही है। तो भाई हमने गाड़ी लगा दी है और हम जा रहे हैं थोड़ी सी बोटिंग करने। और यहाँ चल रही है हमारी भेड़ पूरी, ये भेड़ चल आदमी है। तो भाई यहाँ जब भी आओ स्लीपर्स में आना, वरना शूज का ऐसा हाल हो जाएगा। ड्राई क्लीन कर देता इस लड़के को, काश को भाई जूते उतार के इसको दे देना, ड्राई क्लीन करते हैं जूते। धक्का मुक्की नहीं, धक्का भैया। ये सूर्य ग्रुप की साइड कहाँ पे भैया? यार क्यों ऐसे सर, एक के ऊपर एक नहीं बैठना, एक के ऊपर एक बैठ रहे। और बार और उतर जा। जाओ दो लोग और जाओ सेंटर में। और आगे आ जा भाई, आ जा। तो भाई हम हो चुके हैं रेडी। कितनी देर का चक्कर होता है ये? 1 घंटा 20 मिनट ज्यादा से ज्यादा। तो भाई ये होटल वाले ऐसे पानी का यूज करते हैं यहाँ से, लाइसेंस दिखा देंगे। तो भाई आप यहाँ पे मैरिज वैरिज भी कर सकते हो, कोई भी छोटा मोटा कोई फंक्शन करना हो तो वो भी कर सकते हो, ये होटल वाले करवाते हैं। इसका चप्पू निकाल ले। तो भाई हमारी बोट फंस गई है पत्थरों में, अभी हम निकलेगी, अभी हमारा थंबनेल, हमारी बोट फंस गई, बोट फंस गई, हमारी बोट फंस गई पत्थरों में, हम 4 दिन फंस गए। बोट फंस गई है, मैं निकाल रहा हूं। लोग हैं नहा रहे हैं बीच में, कितना मस्त लग रहा है।
किसी को राफ्टिंग नहीं करनी तो ऐसे आ सकते हैं। वैसे ये भी ठीक है ना, रखा हुआ है। किसी को राफ्टिंग वाफ्टिंग से डर लगता है तो ऐसे छोटी सी गाइड ले सकते हैं। इधर तो देखो वीडियो में, देखो हाय बोलो। तो भाई पार्किंग भी बिल्कुल यहीं पे और यहीं से ही आपकी बोटिंग भी स्टार्ट हो जाती है। और अब हम आए कुछ खाने, चाय मैगी। क्या छुपा रहा है? क्वार्टर है। पर तू तो बोलता है कि इनसे एक भी बार मैगी नहीं खाई, हमारी ये पहली मैगी है आज। भैया मैंने आपका काम कर दिया है, फ्री मैगी है। तो भाई फ्री मैगी के चक्कर में यहाँ से कूड़ा उठा रहा है। अंकल ने बोला यहाँ से कूड़ा उठाओ, सबको फ्री मैगी मिलेगी। तो भाई हमारी मैगी आ चुकी है और यहाँ ऐसे बैठ के सारे मैगी खा रहे हैं। सही बात है। हेमंत बैठना मैगी के साथ। तो भाई फोटो वोटो खिंचवा के अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा चीला डैम की तरफ। उसका भी रूट बहुत प्यारा है, काफी सीनिक रूट है। भाई ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी वाड़ी आराम से आ सकती है धीरे धीरे। तो भाई कुछ ऐसा रास्ता है चीला डैम की तरफ जाने के लिए, थोड़ा सा पतला है पर ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो भाई साइड में ऐसे रिवर देखिए, नहीं तो भाई ये रोड है चीला डैम की, ये रोड चीला डैम जाती है और यहाँ से सीधा हरिद्वार भी जा सकते हैं। ये हाईवे से थोड़ा सा लगा है, मेनली ये बाईपास है हरिद्वार के लिए, ऋषिकेश टू हरिद्वार। थोड़ा सा ब्रेक यहाँ पे लिया है, ब्रेक लेने की आदत है। इन बच्चों को थोड़े से चक्कर आ गए थे पहाड़ों पे, इसलिए थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा हमें। और भाई यहाँ से यहाँ पे थोड़ी देर ब्रेक लेने के बाद अब हम जा रहे हैं अपने घर फरीदाबाद। थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे, अभी टी ब्रेक लेंगे एक छोटा सा दोबारा। हाईवे से ज़्यादा बढ़िया इस रोड से अब। तो भाई हमारी गाड़ी की वाटर क्रॉसिंग, देखो क्या मस्त लग रही है। लोग भाई गाड़ी धो रहे हैं यहाँ पे आराम से, अंकल बढ़िया गाड़ी धो रहे हैं यहाँ पे। चलो भाई निकल गए। डैम होते हो आप हरिद्वार जाते हो ना, तो ऐसा कुछ रास्ता है, इधर भी जंगल है दोनों तरफ जंगल और बीच में प्लेन रोड, ना कोई गड्ढे ना कुछ, आराम से आ सकते हो। बहुत प्यारा रोड है। मेरी गाड़ी खराब हो गई है। तो भाई चारों तरफ जंगल ही जंगल है, बीच में इतना बढ़िया रोड बना रखा है तो आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो। यहाँ पे ट्रैफिक भी नहीं है, आपको अगर आते हो तो ऋषिकेश साइड थोड़ा बहुत मार्केट में मिलता है, पर ये ठीक है। तो भाई इस गाड़ी पे लंगूर बैठा जा ही नहीं रहा। अरे उधर गाड़ी पे लंगूर बैठा तक जा ही नहीं रहा। अरे भाई वेरी गुड। क्या था भाई सीन? अरे रास्ते में एक घंटे का जाम मिला और ये देखो दूसरी साइड पूरी पैक पड़ी है इस टाइम। हमारा तो फिर भी चलो चल रहा है, देखो आगे तक कम से कम तो 2 किलोमीटर का जाम है, ऐसे पूरा पैक पड़ा है। ऐसा जाम लगा हुआ है कि लोग गाड़ियां बंद करके बैठे हैं आराम से। बहुत लंबा ब्रिज है तो। तो भाई ये हमारे ट्रिप का लास्ट स्टॉप, यहाँ पे हम डिनर करेंगे। हम इस टाइम पहुँच गए मेरठ और अब सीधा हम यहाँ से खाना खा के निकलेंगे घर।